उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सपा के नेताओं पर आयकर विभाग के छापे से राज्य का सियासी पारा बढ़ गया है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी एक्टिव मोड में हैं। पीएम ने यूपी को अब तक कई बड़ी सौगातें दी हैं। यूपी में इस बार मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ही है। दोनों दल एक दूसरे पर हमला करने में भी पीछे नहीं है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की है। दरअसल मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है। मोदी सरकार के इस फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी तारीफ की है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि विवाह संशोधन कानून महिलाओं के लिए अच्छा है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ही केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये उनका स्टैंड है, न कि समाजवादी पार्टी का। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सरकार के इस कदम का विरोध नहीं कर रही है। वहीं अखिलेश यादव को भी न चाहते हुए मोदी सरकार का समर्थन करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अच्छा है। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि न चाहते हुए भी विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी के इस फैसले का समर्थन करना पड़ रहा है। अखिलेश के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें विपक्षी नेता फंसे जा रहे हैं। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं द्वारा मोदी सरकार की तारीफ करने से चुनाव में बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला बिल संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक पेश किया, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। लेकिन AIMIM समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध भी किया है। वहीं कांग्रेस का स्टैंड अभी तक इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के बयान से यूपी विधानसभा चुनाव में उनको मुस्लिमों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता इस बिल के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।